हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है 12.3। उसमें अपन ने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, दो क्वेश्चन शेष हैं जो आज अपन करेंगे। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसने एक डायग्राम दे रखा है, कुछ ऐसा डायग्राम है, और इसके ऊपर भी क्या है, एक अर्धवृत्त है ए सी बी। ठीक है, ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा होने के बाद में ऐसा है ये। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा है, समथिंग समथिंग ऐसा है। ठीक है, इसने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पार्ट का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश, यानी कि ये अपना कोई चतुर्थांश है। कौन सा? ये वाला पार्ट कोई चतुर्थांश है। ये कितना डिग्री एंगल हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। बीसी को व्यास मान के एक वृत्त खींचा गया है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बहुत ही इजी वे से। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ कि इसको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अपने को क्या चाहिए? इस वाले पार्ट का रिजल्ट चाहिए। किस वाले पार्ट का? इस वाले का। तो देखो, ये एक क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? ये एक अर्धवृत्त है। तो अपन को क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में? क्या आ गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो, अर्धवृत्त कौन सा कंप्लीट हो रहा है? ये इतना इतना पार्ट क्या अर्धवृत्त के अंदर कंप्लीट हो रहा है। फिर देखो, दूसरी स्टेप ये क्या है? अपने पास एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। तो सेकंड हमें चाहिए क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपने पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा क्या? इतने वाला पूरा का पूरा रिजल्ट, यानी कि पूरा रिजल्ट अपन क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। अब देखो, बट अपन को चाहिए क्या? ये वाला पार्ट। तो इस टोटल में से अपन क्या करेंगे? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और तीसरा पार्ट क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और तीसरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? ये देखो, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। फिर ये एक स्क्वायर होगा, जितनी 14 ये है, 14 ये, इसके सामने ये भी 14 और ये भी 14। तो डायरेक्ट विकर्ण क्या आ जाएगा? 14√2। कितना आ जाएगा? 14√2। मैं लिख देता हूँ, देखो, वर्ग की भुजा, भुजा, और वो आपको दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। क्या लिखेंगे? वृग का विकर्ण। वो क्या हो जाएगा? √2 * भुजा, या फिर √2। तो इसको लिख सकते हो आप 14√2 सेंटीमीटर। आगे बात समझो। अब देखो, यहाँ पे अपन क्या लेंगे? पॉइंट लेंगे, जो क्या है, ये अर्धवृत्त बना है। तो ये वाली डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 7√2, और ये वाली डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 7√2। मतलब कि इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखो, अपन क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये अर्धवृत्त बन गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल, और वो क्या है, क्या होता है, 1/2 πr² आपको रेडियस बताई दी मैंने कितनी आई है, 7√2, तो 1/2 × 22/7 × 7√2 × 7√2। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप इनमें ऐड करते चले जाना। अब देखो कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये कितना आ गया, 1/2 × 22/7 × देखो इनकी इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, और इंटू में 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया, 22/7 154 cm². आगे बात समझे, नेक्स्ट स्टेप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, 1/2 आधार × ऊंचाई, आपको बहुत बार पढ़ा दिया गया है, तो लिखो 1/2। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, आधार भी 14 है और ऊंचाई भी 14 है, जो कट रहा है उसको काट लो, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझे, अब साथ ही अपन तृज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। लास्ट और फाइनल क्या है, तृज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, πr² θ/360। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, 22/7 × 360 × r² r, इसके लिए क्या है, 14, तो इंटू में 14 × 14। फिर आगे चलो, इंटू में थीटा लेना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, ये कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार, 2 बार, और ये इससे 11 बार, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे अपन 14 से, 11 × 14, तो 14 का 4 और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अपन ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इनको साइड में लिख लेते हैं, क्या अर्धवृत्त का रिजल्ट कितना आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर त्रिभुज का कितना आया है रिजल्ट, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर त्रिज्यखंड का रिजल्ट कितना आया है, तो देखो त्रिज्यखंड का रिजल्ट आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने ये रिजल्ट साइड में लिख लिया, अब करेंगे अपन क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालने वाले हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो अपन ने, मैंने आपको क्या बताया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस में इसमें क्या जोड़ दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो, और दोनों को जोड़ने के बाद में क्या घटा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन क्या कर देंगे, इसमें से लेस करने वाले हैं। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों में से क्या घटाना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अब मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ऐसे सेफ दे रखी है, और उसके अंदर ये वाला पार्ट है, इसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या क्या किया, ट्राइंगल का एरिया निकाला, त्रिज्यखंड का निकाला, और अर्धवृत्त का निकाला। अब देखो कि अर्धवृत्त और क्या, त्रिभुज को जोड़ दिया, अर्धवृत्त और त्रिभुज को जोड़ दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये टोटल एरिया आ गया अपने पास। अब इस टोटल में से अगर अपन इस त्रिज्यखंड का निकाल दें तो क्या बचेगा अपने पास, ओनली फॉर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बचेगा, अर्धवृत्त भी नहीं है, इस अर्धवृत्त के अंदर इतने वाले पार्ट का रिजल्ट शेष रहेगा, वो अपन ने अलग अलग डिफाइन किया है, और लास्ट में ये रिजल्ट निकाला है। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो जो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ वह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और अपन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम दे रखा है, वो बनाते हैं। तो
तो अपन ने डायग्राम बना लिया है और डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, आकृति 12.34 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में उभयनिष्ठ है। तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो अगर इसको इजीवे में आपको बताना चाहूँ तो ये डायग्राम ये बोल रहा है कि यहाँ से ये वाला पार्ट ये चतुर्थांश हो गया और ये वाला चतुर्थांश, इसके लिए ये चतुर्थांश और इसके लिए ये चतुर्थांश, जो बीच में जो आपको शेप दिखाई दे रही है इसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल वे बताता हूँ मैं आपको, पहले इस चतुर्थांश का रिजल्ट ले आओ फिर इस चतुर्थांश का रिजल्ट ले आओ, यानी कि दो तो अपन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे बात समझ, अगर इसका निकालेंगे तो ये वाला पार्ट, फिर देखो इस वाले त्रिभुज में इधर वाले में जैसे ये वाला पार्ट हो गया और ये इधर वाला त्रिभुज, इसका एरिया घटा देंगे तो अपने पास ओनली 4 आधा हिस्सा बचेगा। फिर इसी प्रकार ये पूरा है और इसमें से इसका एरिया घटा देंगे त्रिभुज का, तो ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट शेष रहेगा। तो दो तो चतुर्थांश चाहिए अपन को और दो ही क्या चाहिए, त्रिभुज का रिजल्ट चाहिए। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आर कितनी है, तो आप आर है यहाँ से 8 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो अपन त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको कैलकुलेट करोगे 22 इंटू आर कितनी है 8 इंटू 8 इंटू में 90 बटे 360 इंटू में 7, ये रिजल्ट है। जो कट रहा है उसको काट लो, ये 4 बार कटेगा ये 2 बार कटेगा, तो ये क्या हो गया 44 इंटू में 8 बट्टे में 7, इसको एज इट इज इतना ही रहने दो और कैलकुलेट कर लें तो 32 हो गया, 3 हासिल, 32 और 3 35 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझे, अब त्रिभुज का रिजल्ट निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो क्या होता है, 1 बट्टे 2 हाइट इंटू में बेस, तो वो रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 बट्टे 2 8 इंटू में 8, इसको इससे काट लो 4 बार कटेगा और ये 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो अपन निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालने वाले हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रिजल्ट होने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन ये करने वाले हैं इनका रिजल्ट रखेंगे। तो ये रिजल्ट कितना है, 352 बट्टे में 7 -32, इस टोटल की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 त्रिज्यखंड हैं और 2 ही ट्राइंगल है। एक बार फिर समझना, ये ऐसा डायग्राम है ठीक है, ये वाला चतुर्थांश ऐसे है, ये वाला चतुर्थांश इस प्रकार से है। अपन को पूछा है कि ये जो बीच में पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं ये चतुर्थांश ले रहा हूँ, ये इधर वाला पार्ट, इतना इतना कवर किया मैंने, इसमें से मुझे कितना हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए, तो इस चतुर्थांश में से मैंने त्रिभुज का एरिया घटा दिया। तो एक बार फिर देखो, ये वाला पार्ट है इसमें ये चतुर्थांश है कंप्लीट, इसमें से अगर इस त्रिज्यखंड सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो कितनी बार काउंट करेंगे अपन, ये रिजल्ट 2 बार काउंट करेंगे। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आएगा 7 दूनी 14 हासिल 1 21 21 और 1 22, तो ये रिजल्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 352 -224 बट्टे में 7, अब देखते हैं 352 में से 224 घटाते हैं, तो यहाँ से 6 2 8, यहाँ पे 3 तो 2 128, 128
सात से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से और कर देते हैं, 8 दूनी 16, 5 256, तो ये रिजल्ट आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप एक बार फिर से इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो अपनी 12 की प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होगी। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर 13, जो होगी अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। उसमें सबसे पहले अपन उसके फॉर्मूलाज क्लियर करेंगे, फिर प्रश्नावली को लेके चलेंगे। जिस प्रकार से अपन ने इस प्रश्नावली में एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे से किया है, उसी प्रकार उस प्रश्नावली में भी अपन क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे वे से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत मेहनत चल रही है, आप भी मेहनत कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स।